आ गया बकरा माशाल्लाह। ये बकरे हमें कितने में मिले हैं और कहां से मिले हैं और कहां से लेके आए हम लोग जी, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये देखो कि हम लोग कैसे इन दोनों बकरों को सुबह से ढूंढ रहे थे, तो अभी जी घर पहुंच गया जी लेके इन दोनों को। तो सारी वीडियो देख लें, बाद में आपको बताता हूँ जी मैं कि कितने के आए हैं और कहाँ कहाँ से लेके आए हैं हम इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे व्यूअर्स जहाँ भी अपने फैमिली के साथ खुश होंगे और हंसते होंगे। इसी दौर साथ कहते हैं जी वाला शुरू, तो वाला शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक कर लें। तो जी जो बकरा मैं उस दिन देख के आया था ना, उसकी जी हमारी बात होगी डन। कितने में बात हुई है वो जब बकरा लेके घर आऊँगा फिर जी आपको बताऊँगा जी कि हमें कितने पैसे हम लोगों ने तय किए। तो इस बकरे के बाद एक बकरा जी हम लोगों ने और ढूंढना है, अभी वो लाएंगे हम लोग मंडी से जाके जी। आज इंशाल्लाह ये सुबह सुबह का टाइम है, ये बकरा लेने के लिए जा रहे हैं, चलते हैं जी और ले के आते हैं ये बकरा। फिर उस भाई ने ना काम पे जाना होता है, वो कहता है कि इस टाइम आओ या फिर जिस सेकंड टाइम आओ असर के बाद, लेकिन हम लोग सुबह सुबह तैयार हो गए नमाज पढ़ के फारग, अभी चलते हैं जी बकरा ले के आते हैं। निकल पड़े हैं हम लोग अपने गाँव से जी माशाल्लाह, अभी चलते हैं और तकरीबन पहुंच जाएंगे हम लोग जी 15 से 20 मिनट। मैं और उस्ताद जी और साथ जी अर्जम आ गया जी, अभी देखते हैं अगर भाई घर है तो उनसे लेकर नहीं कुर्बानी वाला बकरा जी। फाइनली हम लोग बकरा हम लोगों ने ले लिया, अभी लेके जा रहे हैं इसको गाँव। और बकरे के साथ साथ हमें एक गिफ्ट भी मिला जी, जो है कि ये पैरट जी, चेक करो माशाल्लाह जी, ये भी हमें मिला गिफ्ट जी। तो बकरा वो सामने आ रहा है जी, और अभी कोई रस्का ढूंढता है जिसके ऊपर रख के उसको लेके घर जाएंगे। अगर पैदल भी लेके जाएं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता जी। ठीक है मौलवी साहब, तुम्हें पैसे मिलेंगे कैश दे बैंक से, ठीक है ना? मेहरबानी। परसों वीडियो जा रही है थले बंदे लुट रहे 2 लाख रुपये मैम, बाबा अपना लोग मैं बाबा नहीं लुटता, बाबा मैं अपना ही हाँ। तो मैं क्या मैं बैंक कैश तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, ठीक है ना? ओ करा देंगे चेक, वो तो मिल जाएगा तुम्हें फिर। चलो मैं मगर फिर लाइयो 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 चलिए फिर। अल्हम्दुलिल्लाह जी बकरा हम लोग लेके और रस्ते पे मैंने दिखा दिया, और जी जा रहे हैं जी फुल टॉप से घर को, अभी रस्ते के पास चलते हैं जी और जाके देखते हैं आगे जा उतारना भी आपको। मेहरबानी उस्ताद जी, बड़ी बड़ी है तेरा। अर्जम गुज्जर जी माशाल्लाह बकरा लेके आ गया जी, बाहर तोता पहले आंदा नहीं मुड़े है, तोता रहना है।
तो जी हमारा भी कुर्बानी का बकरा है, ताया जान का भी आ गया था सुबह का जी। तो जी अभी लेने जा रहे हैं जी चाचू जान का कुर्बानी का बकरा। अबू जान गए हुए हैं सुबह से मंडी, तो वो कह रहा था कि पसंद बकरा आ गया मैं और आके तो देख लो जी। मैं और भाई मरान जा रहे हैं और साथ हमने ले लिए पैसे, अगर पसंद आ गया उधर अच्छे रेट में मिला तो इंशाल्लाह अभी लेके आएंगे, साथ ही लेके आएंगे हम लोग जी। और देखते हैं मंडी में कितना ज़्यादा रश है और क्या क्या रेट चल रहे हैं, कितने जानवर आए हुए हैं। अभी चलते हैं, आपके साथ वीडियो शेयर करनी है, निकलते जल्दी है जी। धूप बहुत तेज़ है लेकिन जाना पड़ेगा जी, अभी ज़रूरी है जी, क्योंकि ईद तकरीबन आज जी जुमेरात, जुम्मा हफ्ता एतवार सवार चार दिन रह गए ईद को, तो आज जाना ज़रूरी है। आज या कल एक दो दिन में कन्फर्म होना है कि बकरा कौन सा आएगा जी, अभी निकलते हैं जल्दी से जी। बकरे करवाने के जी पैसों की गिनती अलहमदिल्ला बकरा तो हमें मिल गया, और कितने में मिला ये भी आपको बताएंगे बाद में। अभी सिर्फ अब्बू जान जो ना पहले पैसे देंगे भाई जाने को जी। अलहमदिल्ला हमें मिल गया बकरा, अभी लेके इसको चलते हैं घर और ये बताएंगे आपको घर जाके कि हमें कितने में मिला माशाल्लाह। दिन तक तो जी अभी अब्दुल्ला और हसदुल्ला दोनों आ गए हैं बकरे को आगे से लेने के लिए जी। हैं अब्दुल्ला इधर, और कितना किराया दिया इसका आते आते जी, बाइक पर थोड़ा मुश्किल आना था इसने, इसलिए हम लोगों ने रेस्क्यू पे इसको ले गए हैं। क्या करो जी, चलो 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 ले लो ले लो। फाइनली जी ये बकरा लाया सुबह, लेकिन ये लाया जी अभी मंडी से जी। तो देखना ये है कि दोनों में से मोटा ताजा कौन है और सही कौन है, बच्चे सब बताएंगे सभी बच्चे जी। हाँ बच्चों दसो सही के लिए लग रहा है। हाँ बड़ा है बेहतर है सही करा बच्चों सही दसो दोवें ओ सही है सब तो सही है दोवें सही है मुला दोवें सही ना खिदमत कर रहे हैं। अब्दुल्ला भी पानी पिलाने लगा जी, रमान रमान पीरंदा भी अब्दुल्ला भी कर रहा अपने बकरे की खिदमत की। बानी के दोनों बकरे जो ना मिल गए हमें जी, हल्की हल्की बारिश आना जो ना वो स्टार्ट हो गई है। तो काफी देर से जी आंधी चल रही थी, लेकिन अभी जी हल्की हल्की बारिश आना स्टार्ट हो गई, मौसम ठंडा हो जाएगा, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि आप सोच भी नहीं सकते जी। तकरीबन मेरे ख्याल से 50 के करीब जो ना टेम्परेचर गया हुआ जी, 50 डिग्री के करीब। अभी बच्चे कितने ज़्यादा खुश हो रहे हैं चेक करो, तो कुर्बानी के बकरे भी मस्त खड़े हैं दीदी। तो अभी आपको बताया जाएगा ये कितने के आए हैं, कहाँ से लेके आए हैं, कैसे लेके आए हैं जी, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सिर्फ 2 मिनट बारिश रुकने का इंतज़ार है जी, बस बारिश चेक करो कितनी स्पीड से बारिश आ रही है, चेक करो जी।
जवार हो गया ये जी। करते हैं शुरू जी कि हमें कितने के बकरे मिले हैं। सबसे पहले जी हमें ये बकरा कितना, ये वाला कितने का मिला बकरा मिली, ये जी हमें तकरीबन पड़ गया जी 130 का जी, 1,30,000 तकरीबन ये वाला मिला जी। 6-7 माह पहले लेके ना एक भाई के पास रखवाया था, तकरीबन उस टाइम ये लिया था 80,000 का जी, 80,000 का। तो इसके ऊपर हम लोगों ने जितना खर्चा किया, अभी अगर इस जैसा जानवर लेना हो ना तो ये 1.5 लाख में मिलता है जी तकरीबन। क्योंकि हमने इसको कोई फीड वगैरह नहीं डाली, देसी खुराक से तैयार किया इसको जी। इसको और जो हमारे घर का लेना है उसको हम लोगों ने देसी खुराक से जो ना वो तैयार किया जी कल आया उधर ना। तो ये हमें पड़ गया जी 140 में, मतलब कि इसकी खिदमत करके। अगर बाहर से लेना होता ना तो ये हमें मिलना था 1.5 लाख रुपये में जी। उसके बाद आ जाता ये वाला बकरा, ये हम ले गए हैं जी मंडी से। इसको ये जो भाई तैयार करते हैं ना फार्मों में, ये तैयार करते हैं इनको फीड डाल के जी, मतलब इनका गोश्त और उनका गोश्त उसमें फ़र्क होता है, ये थोड़ा सा गोश्त इनका होता है नरम जी। ये हमें बकरा मिला है 85,000 में, 85 में जी। ये हम ले गए हैं मंडी से, ये भी रस्के पे ले गए थे, इसका हमने किराया दिया जी किराया। लेकिन उस वाले बकरे का हमने किराया नहीं दिया, वो सुबह सुबह भाई आ रहा था, उसका हमने सिर्फ 1 लीटर बोतल पिलाई और उतने में खुश हो गया था जी। तो अभी इनकी देखभाल अपने अंडर में होगी जी, तीनों की अच्छी खासी देखभाल, और इनके हार शार भी इंशाल्लाह 2-3 दिन में क्लियर करते हैं। आज का जी व्लॉग इतना ही, कल इंशाल्लाह तीनों बकरों की अच्छी खासी देखभाल शुरू होगी और मुकम्मल जी नहला आके इनको अच्छे तरीके से तैयार किया जाएगा जी कुर्बानी के बकरों की, और बाहर सैर करवाई जाएगी जी गाँव में जी। फिर जी पता चलेगा कि 3 बकरियाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर। अगर हम ये तीनों बकरों की जगह एक बैल ले लेते ना तो बैल तकरीबन हमें मिल जाना था जी, कम से कम 7-8 मान का बैल जो ना अच्छा खासा हमारा आ जाना था जी इन बकरों से। तो खैर इंशाल्लाह जब बैल की हिम्मत होगी तो इंशाल्लाह बैल भी कुर्बानी दिया करेंगे जी। तो आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा है मुझे कमेंट में जरूर बताना, अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बैल को जरूर दबा दें ताकि मेरी मोस्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। खुदा हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।